दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आप एक बिगिनर है या फिर अगर आप स्क्रैच लेवल से सीखना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करें, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेक श्योर दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बिना समय वेस्ट किए अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फ़ोन पे और वहाँ पे अब आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ एक अकाउंट को। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बेसिकली दोस्तों इंस्टाग्राम के तीन टाइप होता है, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा बिजनेस अकाउंट और तीसरा क्रिएटर अकाउंट। अब ये तीनों अकाउंट क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये तीनों में क्या डिफरेंस है, ये इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं इसके लिए एक दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा और सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। वेल दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और अकाउंट बना के देखते हैं कि कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने इंस्टाग्राम पे आना है। तो मैंने अपने मेन अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरा प्रोफाइल जो यहाँ पे शो कर रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे आपको एक दिख रहा होगा ऑप्शन साइन अप का, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे नीचे लिखा है साइन अप विथ ईमेल और फ़ोन नंबर, इस वाले पे आपको जाना है। अभी देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, ठीक है, एक फ़ोन का और दूसरा ईमेल का। आपका आपकी मर्जी, आप अगर चाहे तो फ़ोन नंबर के थ्रू भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू भी जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को चूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी आपको फ़ोन नंबर से ही करके दिखा देता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ फ़ोन नंबर पर और मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है इधर। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। अब ये कह रहा है यहाँ पर, देखिए अब आपको फिल करना है फुल नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ कि उस प्रोफाइल पर आपका नाम क्या रहेगा। तो मान लीजिए जैसे मेरा नाम है नजरुद्दीन, NAJRUDDIN SPACE AHMAD नजरुद्दीन अहमद, और मैंने पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने पासवर्ड डाल दिया है, ओके। अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंटिन्यू एंड सिंक कॉन्टैक्ट्स, और लिख रहा है नीचे उसका नीचे एक और ऑप्शन है कंटिन्यू विदाउट सिंकिंग कॉन्टैक्ट्स। अभी दोनों का ऑप्शन मतलब क्या है, अगर आप ये ऊपर वाले को ऑप्शन को टच करोगे तो ये तो अकाउंट क्रिएट होगा, आगे नेक्स्ट स्टेप जाएगा, साथ ही साथ जो है आपका फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव है उसको भी यहाँ पे ला के आपको दिखा देगा, सिंक सबके साथ जो जोड़ देगा। और दूसरा वाला आपके कॉन्टैक्ट वाले को किसी को भी पता नहीं चलेगा, किसी के साथ भी आप सिंक नहीं हो पाओगे। तो फिलहाल मैं सिंक विदाउट सिंक करता हूँ, ठीक है, नीचे। और ये पासवर्ड यहाँ पे ये नहीं ले रहा है, पासवर्ड मुझे कुछ और डालना पड़ेगा, ओके मैं कुछ और डालता हूँ क्योंकि ये पासवर्ड इसने नहीं लिया, ठीक है, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है। देखिए अभी डाल रहा है, अभी ये कह रहा है गूगल में कि सेव करना है, चलो मुझे अभी नहीं सेव करना है, ठीक है। अभी आपको देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो भी है नीचे से यहाँ पे आपको सेट कर लेना अपना डेट ऑफ बर्थ। तो मैं फिलहाल एज इट इज़ रहने देता हूँ इसको, फिर नेक्स्ट करता हूँ। नहीं यहाँ पे रियल डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, चलो 2020 नहीं, चलो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, कोई रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। चलो मैंने कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लिया है। अभी ये बोल रहा वेलकम टू इंस्टाग्राम अहमद नजरुद्दीन, ठीक है, ये जो मेरा आईडी है अहमद नजरुद्दीन, ये मुझे आईडी मिला है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरा फाइनली जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है। रुके एक मिनट, ये मैं ओके। अभी ये बोल रहा है कि आपका जो फेसबुक फ्रेंड है वो यहाँ पे आपको शो होगा, आप अगर फेसबुक से कनेक्ट करते हैं। तो अभी मैं कनेक्ट नहीं करूँगा, अभी मैं फ़िलहाल अकाउंट के अंदर चलता हूँ, तो मैं स्किप करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने स्किप किया और फिर से स्किप किया और ये बोल रहा है कि यहाँ प्रोफाइल फ़ोटो डालना है। तो आप ऐड फोटो करके यहाँ पे अपना प्रोफाइल फ़ोटो भी डाल सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। तो फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ और अभी ये कुछ सजेशन आपको दे रहा है, ठीक है। कोई भी जो भी वेरीफाइड अकाउंट जो है उनको ये सजेस्ट कर रहा है आपको कि आपको किस टाइप का जो है आपको फॉलो करना है, किन लोगों को फॉलो करना है। तो ये यहाँ पे आपको दे रहा है, आप यहाँ पे चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। वेल चलिए यहाँ पे हम स्किप करते हैं और हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हम अपने मेन अकाउंट पे यहाँ पे आ चुके हैं। अभी ये देखिए हमारा अकाउंट है,
देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट आपको यहाँ पे ये नीचे आप देखिए आपको यहाँ पे पांच सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब ये पांचों सेक्शन का क्या मतलब है आइए हमको समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे राइट वाला जो पहला ऑप्शन है ये आपका प्रोफाइल मेन प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेन प्रोफाइल दिख रहा है, बायो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आप प्रोफाइल फोटो दिखाई देगा, कितना पोस्ट है, कितना फॉलोअर्स है, कितना फॉलोइंग है, ये सब ये आपको दिखाई देगा। अभी नीचे देखिए आपको ये बोल रहा है कंप्लीट योर प्रोफाइल, चार स्टेप कंप्लीट करना है। अभी क्या करना है, सबसे पहला यहाँ पे आपको प्रोफाइल फ़ोटो डालना है, उसके बाद वो आपको रिकमेंड कर रहा है, दूसरा ऐड अपना बायो डालना है, तीसरा आपको जो है किसी भी फ्रेंड को जो है सर्च करके उसको फॉलो करना है, और उसके बाद जो है ऐड योर नेम, अपना नेम भी आपको यहाँ पे डालना है। अब ये सब चेंज तो यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहे तो इसको ऊपर बेसिक अगर सेटिंग्स करना है तो यहाँ ऊपर आपको राइट साइड अपर कॉर्नर में तीन लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आना है, और यहाँ पे नीचे देखिए आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्राइवेसी सिक्योरिटी और भी है। ठीक है, अकाउंट्स जो भी है आपको यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स करने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आप चाहे तो यहाँ से इस अकाउंट को लॉग आउट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसी अकाउंट के साथ अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट भी है तो उसको अगर लिंक करना चाहते हैं सेम इसी अकाउंट के साथ तो यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे वाला जो यहाँ पे ये है नोटिफिकेशन ऑप्शन। ठीक है, कोई भी आपको आपके पोस्ट को लाइक करता है, ठीक है, या फिर कोई आपको फॉलो करता है तो सारा नोटिफिकेशन इस वाले पे आएगा। ठीक है, एक्टिविटी ऑन योर पोस्ट, आपके पोस्ट में जो भी इंगेजमेंट होगा वो सारा नोटिफिकेशन इसमें आएगा। बीच वाला जो प्लस है उसको जब आप टच करोगे तो आप कोई भी फोटो वीडियो जो भी चाहो आप यहाँ पे पोस्ट करना चाहो वो पोस्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन पे सर्च का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपको किसी को सर्च करना है यहाँ से तो आप किसी को भी यहाँ से आप जो है सर्च करके उस बंदे को यहाँ पे ऊपर में सर्च बार में सर्च करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में जो है ये होम, होम में आपको ब्राउज फीचर दिखाई देगा, मतलब कि ऑटोमेटिक वो रैंडम किसी का भी पोस्ट वीडियो फोटोज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है आप देख के आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको फेसबुक के फीड होता है, जो मेन फीड पेज होता है, वहाँ पे जितने भी आपको फ्रेंड होते हैं या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड होते हैं, वो लोग जो भी पेज पोस्ट करता है या फिर जो भी शेयर करता है वो सारा आपको उस फीड वाले पेज पे आपको दिखाई देता है। उसी तरह ये होम पेज जो है यहाँ पे ये एक फीड वाला है, ब्राउज फीचर यहाँ पे आता है, यहाँ पे जितना भी जो भी रैंक करता है मतलब, ठीक है, वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देता है, तो आप अपना देख सकते हैं और देख के आप जिसको भी चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों, राइट साइड सबसे ऊपर में देखिए एक एरो बना है, ठीक है, ये है मैसेज के लिए। अगर आप डायरेक्ट किसी को मैसेज करना चाहते हैं या अगर आपको कोई मैसेज करेगा तो वो उस वाले ऑप्शन पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो बाय द वे दोस्तों, बस ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस एक इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करने का। अभी एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें मैंने आपको पूरा बेसिक फंडा बताऊँगा कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया कि तीन जो है टाइप का इंस्टाग्राम अकाउंट होता है। पहला होता है जो पर्सनल अकाउंट, दूसरा बिजनेस अकाउंट और तीसरा जो है क्रिएटर अकाउंट। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और इन तीनों को यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और इन तीनों का क्या बेनिफिट ले सकते हैं, सारा कुछ बताऊँगा उसके लिए दूसरे के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट कर लिया। सेम मेथड को फॉलो करके आप भी जो है अपना खुद का एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, क्या सजेशन है, क्या आपका राय है इस वीडियो के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, जाके आप फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।